गोलू की बहन है नीचे, इसका मतलब क्या है? क्या? कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। आज साबित हो गया आप ऐसा प्यार करते हो। आपने एहसान कर दिया करवा चौथ का व्रत रख के। गंजा मांगे कंगी। आज के बाद आप मत बोलना सब्सक्राइब के लिए। चलो हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं। ओह माय गॉड वेरी मच ब्यूटीफुल। यार तो गाइस मैं आपको एक सच और बता देता हूँ। बेइज्जती मत करो मेरे घर वालों की। तो गाइस ये हमारा नया घर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई कल तो मतलब करवा चौथ खत्म होने के बाद सबने डिनर किया अच्छे से आराम से। अब लगा लो अभी अगर बात की जाए 12:30 बजे हुए हैं, तो लड़कियां अभी उठी हैं और साथ में हमारा लोंडू भी उठ गया है। खाना खा लिया आपने? क्या हो गया? सीधे से थोड़ा। किस बात को लेके? सो के उठ के है ना इसलिए। हाँ भाई हाथ दिखाओ, कितना प्यार करते तुम मुझसे। ठीक ठीक है, ज्यादा काली नहीं है, ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने ना हाथ धो लिया था। मतलब तू कम प्यार करते है इसलिए। गोलू की मैंने नीचे, इसका मतलब क्या है? क्या? कि तुम गोलू से कम प्यार करते हो। ये मतलब है? हाथ दिखा। कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। ये बात है? यस। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बात ना मैंने बहुत बार ना कमेंट्स में सुनी थी कि आप आयल से ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे कम प्यार करते हो। आज साबित हो गया, मेरी मेहंदी ने साबित कर दिया कि हाँ आप आयल से ज्यादा प्यार करते हो। तो इससे कम करता हूँ। कितना कम दिखाई? बहुत ज्यादा कम। 5-7% ही होगा बोलो, इससे ज्यादा तो नहीं करा मैंने। मेरे को ना परसेंटेज में तुलना तो नहीं आता, बट उससे ज्यादा करते हो। तो कल ये घोड़े बेच के सो रहे थे। मतलब मैं सुबह सुबह आया 9:30 बजे, मैंने देखा बच्चे बच्चे जाग रहे। शांति ने मुझे दिया जैद को, उसके बाद मेरे से वो बहुत देर तक खेला, उसने नाखून मारे मुझे। फिर मैं दोबारा अंदर गया, फिर भी इनको ये पता ही नहीं है कि भाई पतिदेव अंदर आए हैं, खड़े हो या ना हो, ऐसा क्यों? मतलब आपने एहसान कर दिया करवा चौथ का व्रत रख के, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? नहीं मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी कल ना, मैं सोते सोते मुझे सुबह हो गई थी। कल 6 बजे सोया मैं और पायल ना, तो फिर आंख ही नहीं खुली। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, अपने आराम से नींद पूरी करती हूँ, और वैसे भी उठ के करना क्या है, काम तो वैसे नहीं करती हूँ कोई। तो गाइस अभी वाले जो व्लॉग है ना उस पे कमेंट आया, तो मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आप पूरी मेरी फैमिली हो, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ना हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो कमेंट किसका है? सिमरन वर्मा का। गोलू दीदी यू सेड 1 चम्मच जैद ने खाई, 1 आपने फास्ट में खिचड़ी खा ली। वो फास्ट में खिचड़ी नहीं खाई है, उसमें गोलू नाइट सूट में है। ये वाला जो टेक है ना, वो टेक एक्चुअली क्या है ना, हमने व्लॉग एक ही बनाया था, तो आधा फैमिली फिटनेस पे डाला था, आधा मानमिल पे डाला था, तो शायद आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फास्ट के बाद बच्चों को जो है खिचड़ी हमने खिलाई थी। और टेक ना वो पहले लगा दे, इनको नहीं समझाना आ रहा। वो जो खाना खा रहे हैं ना वो रात का टेक है, मतलब उसी ब्लॉक का। तो क्या था ना, करवा चौथ खोल के नीचे आए, इन्होंने नाइट सूट पहना, उसके बाद करवा चौथ दिखा रखा है। तो क्या है ना वो कंफ्यूजन है, मतलब जो आप देख रहे हो खाना खाते हो वो व्रत खोलने के बाद का खाना खाए इन्होंने, पर वो टेक में पहले लग गया। पहले लग गया। और मैंने कल दोनों टाइम नई नाइट सूट पहनती, सर्गी के टाइम पे येलो और करवा चौथ के बाद ये ब्लू। तो गाइस अभी अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है, आपने सुना होगा, गंजा मांगे कंगी। तो ये लड़का कंगी मांग रहा है, मेरा हेयर स्टाइल का। और इसकी किट है ये पर्सनल पूरी दे, और क्या ऐसे कंगा का इसका? अच्छा, दो कंगे है, दो नहीं ये वाला सॉफ्ट है। अच्छा नहीं ये तो कंगा थोड़े कंगे करना बेटा। अच्छे से करिए इसको, बस बस हेयर स्टाइल ठीक है, बस खराब हो गया। टेम्परेचर चेक करने का, कहीं बाहर गए बच्चों को बुखार हो गया, ये नेल कटर, ये सीजर, और ये क्या है, ये जो बच्चों के नाक में मुझे पता नहीं है, मैं गुनगुने होते ना गुनगुने गुनगुने कहते हैं ऐसे चूहे। देखो मेरे मन कर बच्चों के, देखो ऐसे डालेंगे, ऐसे गुनगुना छींच लेंगे अंदर। अच्छा कलाकारी, कलाकारी ये नहीं समझ आया क्या है? ये चिमटे है ना, कई बार घूंगना फंस जाए ना नाक में, उसमें निकालने के लिए देख निकाल। और ये है कैंची से कटिंग करने के लिए। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ अभी फार्म के लिए, और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज ब्लॉग को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप देखते पूरा, बस सब्सक्राइब हम देखते ना एनालिटिक्स में, तो वहाँ पे सब्सक्राइब बहुत कम रहता, मतलब कि 5%। आज के बाद आप मत बोलना सब्सक्राइब के लिए, ये बोलेगा बोल बेटा, बेटा तू बोल सब्सक्राइब। 4 साल लग जाए इसको। तो भैया हमारी बेटी उठ गई है आज सुबह सुबह, इसने मुझे उठते गुड मॉर्निंग बोला, पूछा पापा चाय लेके आऊं। अच्छा फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला नहीं बेटा बेटा नहीं, अभी आप पढ़ाई करो। क्या क्या है क्या है? मैं को मुझे पता है क्यों रोई है। हाँ आपने पढ़ाई के लिए बोला, पढ़ाई इसलिए। चलो पूछी कर लो बेटा, पूछी कर लो। पतंग उड़ानी है? चलो हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं। तो पाली जो माल जो बच्चों को तू खिला रही है, हाँ जी घर पे बनाते हैं? बिल्कुल खिचड़ी है ये। हाँ। देखो मांग रहा है, दिख रहा है? हम्म, हाँ भाई मांग रहा है इसको खाना। तो कुछ लोग बोले हैं भैया कि बच्चों को खाना खाते हुए नहीं दिखाते, तो हमारी फैमिली हो आप सब लोग, हमारे काम
इंस्टाग्राम में व्लॉगिंग करना, जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और क्या दिखाना चाहिए, ताकि हमारे को देख के ना आप लोगों को भी अगर ये चीजें बनानी हो अपने बच्चों के लिए तो बना सकते हो। स्पून है ना, मैं लेके आई थी बच्चों के लिए बैम्बू स्पून है, क्योंकि क्या होता है यूजुअली ना, मैं आपको बता देती हूँ कि हम बच्चों को ना स्टील के चम्मच से खिलाते हैं, बट इस एज के बच्चे ना बहुत हिलते हैं, अगर स्टील का चम्मच यहाँ लग जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिस इज माय आइडिया, समझदारी की बात कर, मतलब मैं इतनी समझदार हो गई हूँ ना जब से बच्चे हुई है, मैं सच में मैं बहुत समझदार हो गई हूँ, और आजकल मैं खुद ही खाना बनाती हूँ बच्चों का। पाई कैसे बनाती हूँ, एक बार टेस्ट करके देखो आप, दिखा ऊपर से खाना, मतलब ऊपर से बहुत मजेदार है ये, ऐसा खाना है बिल्कुल हेल्दी, जब खांसी जुकाम बुखार हो जाता है कई बार, तो खिचड़ी खाते हैं ना और कहते हैं खिचड़ी, वो खाने का मन नहीं करता पर ये खिचड़ी खा सकते, मजेदार थी, इसको अच्छा नहीं लगता ये क्या पहन के, मुझे बड़ा क्यूट लगती है देखना। एक होते ना शौक होते हैं, तीन लड़के हैं एक लड़की है, तो शौक अपने पूरे करने चाहिए, क्योंकि वो ना सब बच्चों की आदत है, गले में मंगलसूत्र हो चेन हो, आप नहीं खींचते चेन, मेरे नहीं खींचते, नाखून बहुत मारते हैं, पर इनके नाखून इतने तेज है, थोड़े पहने होते हैं, हर दो चार दिन में बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे ना मेरा कीड़ा लग गया था, दिखाइयो बहुत जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है, बहुत लाल, तो यहाँ पे कीड़ा लगा हुआ था, मैंने कल दवाई लगाई और अब यहाँ थोड़े से दाने हो गए और दो चार दिन में दोबारा बाल आ जाएंगे, यहाँ से बाल उड़ गए थे मेरे। आज हम साग रोटी खाएंगे, खाओगे आप? खा लूंगा, घर में बनाएंगे। बेबी गर्ल को देखा मैंने, हुस हुस She's your baby girl. Oh my God, very much beautiful. सुंदर की बच्ची, तुम दोनों ने साथ में थे पेट में, तो क्या बात करते थे बताना? ये कह रहे थे, इसका खींचने का मन डर रहा है कि बस एक बार ना ये बैंड मिल जाए मुझे, देखो बताऊं देख, ये कपड़े नए पहने, कपड़े नहीं पहने इन्होंने आज। अच्छा सुनो, मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए जो देने के लिए ना, हाँ। तो हम आज सारे नमक के पानी से निकाल के फिर दे देंगे इनके छोटे कपड़े। ठीक, ये कौन है? चीकू कपड़े नहीं है, चीकू, हाँ। अच्छा ये कौन है? ये तुबा नहीं लग रही? नहीं, ये भी चीकू है, ये तुबा, ये देखो गाइस चीकू है, ये सेम ज्यादा लग रहा है, ये चीकू की फर्स्ट डे की फोटो है गाइस, इसके मुंह पर पतीला जैसा रखा है ना, ये उस टाइम की नर्सरी होती थी, आज से ये लगा लो 7-8 साल पहले वो नर्सरी थी, उस टाइम हमारा इतना नहीं था जुगाड़, तो छोटे से हॉस्पिटल से मैंने करवाया था, तो ये मैंने अब के बच्चों के लिए निकाल लिया, ठीक है ना, इनको बनाएंगे। गोलू जो घर गंदा करेगा वही तो साफ करेगा, है? तो इसका मतलब मैं और पायल गंदा करते थे? बिल्कुल गंदा करते, शांति से पूछ ले, शांति गंदा किसने किया घर, शांति झूठ मत बोलियो, समझ नहीं आई इसकी, शांति से का मतलब समझ गए, शांति झूठ नहीं बोलना चाहती, अच्छा हाँ, इसलिए वो कुछ बोली नहीं, अच्छा अब इतने नलायक है ना, रात से इन्होंने मुंह तक नहीं धोया, इनके शक्ल देखो, याद है आपको नहीं धोया? नशे में रहता हूँ क्या, मुझे कुछ याद नहीं रहता क्या, ये किसका, ये किसका, ये मतलब बहुत पुराना हो चुका है ना, तो ये बोलेगी तुम्हें याद हूँ, मैं तुम्हें याद हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, याद हूँ कभी नहीं बोल सकती, और यही कर रही है मेरे साथ। अच्छा हमने ना क्या किया, देखो चीकू के जितने भी टॉयज है ना सारे ड्राई क्लीन करा के रखे हुए, तब ये बड़े होंगे ना तो ये खेलेंगे, देखो बयान के लिए जयद अयान तूबा, देखो कितने पीछे, देखो कितने टॉयज है, ये देखो वो है का हीरो, ट्यूशन पढ़ाई पे ध्यान रखता है वो अपना। तो गोलू और पायल ना इतने छोटे छोटे कपड़े निकाल लिए और आप मुझसे पूछ रहे कि हमारी तूबा इतनी छोटी भी थी, दिखाइए, ये तूबा की फ्रॉक है, अरे छोटी सी थी ना, एक हाथ जितनी है, एक हाथ जितनी थी वो, देख लो मेरा हाथ देखो, देखो तो सही। अच्छा एक बात बता, ये बच्चे बड़े होके अपने ब्लॉग देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे, इनको देखना क्रिएटिविटी होगी बच्चों को, कि मैं बचपन में मैं क्या क्या हरकत, हमारे पास देखो चीजें नहीं है, हमारी मेरे बचपन की फोटो है मेरे, मतलब ये चीजें नहीं जो हमारे पास है, है मेरे पास, मेरे घर पे एक फोटो देखी थी मैंने अपनी बचपन की, उसमें मैंने स्वेटर पहन रखी है और मैं नाक मुझे देगी तो, बस वही फोटो है। एक बात बता सच सच, बचपन में तू और गोलू तू घूंगने खाते थे? नहीं मुझे घूंगनों का तो नहीं आ रहा, तू बता पहले जुड़ोने वाला है, हाँ चीकू भी स्पे गए है, चीकू भी स्पे गए, अरे यार अच्छी यार, क्या हो गया मेरा बचपन से ध्यान ना चीजों में, छोटे थे तो पेस्ट कितने दिन में करते थे, झूठ मत बोले गोल, मैं सच बता दूं, हाँ। हमको कोई पेस्ट करने के लिए बोलता ही नहीं था तो हम करते नहीं थे। अच्छा वेरी गुड, तो गाइस मैं आपको एक सच और बता देता हूँ, पायल के घर में ना एक ही कोलगेट का ब्रश था और ये 8 भाई बहन उसी से करते थे सारे, 8 भाई बहन कहाँ से आ गए, पापा मम्मी को छोड़ के कह रही है, उनको भी तो जोड़ा ना, बेइज्जती मत करो मेरे घर वालों की, झूठ मत, नहीं मैं झूठ नहीं बोलती मैं सच बोलती हूँ, एक बंदे के 8-8 ब्रश थे ये बोल रहे हैं, एक कोलगेट से एक ब्रश से सारे घर वाले करते थे, और जब तक वो झाड़ू जैसा नहीं होता था ये नहीं फेंकते थे, उसके बाद भी क्या करते थे ये उनसे अपने जूते साफ करते थे, ये अपने उसमें लाडना डालने के लिए, लाडना डालने का सही बात है, पर एक बंदे के 8 ब्रश होते थे। अच्छा मेरी दादी भी ऐसे करती थी, वो नाड़ा पो, हमारे में आप में लाडना बोलते है ना, हमारे में नाड़ा पो नहीं बोलते है पंजाबी में, ऐसा हुआ तेरे साथ पायल कभी
जैसे तुम रात को सोने गए हो, सर्दियों का टाइम हो, और फिर तेरा पापा तुझे कहते हैं कि जा गेट बंद कर गया बाहर का, वो तो बार हुआ तू उठ के नहीं कैसे मैं जारी इसको भेज दू, मैं जारी इसको भेज दू, ऐसा होता था तुम्हारे साथ होता था और क्या बोलो, तो उठा के भाई साहब कहीं ना कहीं भेज भी देते थे साइकिल पे जाके दही दूध ले क्या। तो आज मुझे लगता है घर का 90% सामान बाहर निकलने वाला है। मैं ना आज आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाली ना, बहुत ज्यादा प्रीशियस है ये चीज, ठीक है। पहले मुझे एक बात बता, हमारे चार बच्चे हैं क्या, तीन होने चाहिए ना, हमने तीन छठी भी खरीदी। थोड़े दिन बाद ये मत बोल दियो कि हमारा एक ही पति है ना, मुझे याद आ गया चीकू भी रखे संभाल के। मैं बात ये कर रही थी ना, जैसे हमारे चार बच्चे, तो ये जो हमारे में बोलते हैं कि ना छठी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, तो छठी के जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के संभाल के रखते हैं जिंदगी में, तो ये चीकू की छठी के कपड़े हैं, ये जैद की छठी के कपड़े हैं, ये अयान और तूबा। वेरी गुड। और देखो चीकू के जो छठी के कपड़े थे ना, जब जैद फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आया था, ठीक है, जब मैं अंदर थी हॉस्पिटल के रूम में, तो ये पहन के आया था, पाल ये पहना कर लाई थी ना उसको, तो कितना अच्छा। तो आज क्या हो रहा है ना, आज ना सारे कपड़े ना बच्चों के बाहर निकाले जा रहे हैं, उसके बाद नमक के पानी में धो के, थोड़े दिन पहले आपको पता है कि एक बच्चा बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत में था हॉस्पिटल में, तो उसी बच्चे को पाल ये देने जा रही है, ऐसा कुछ है? हाँ जी ऐसा ही कुछ है, और उसी बच्चे को देने जा रही है। उस बच्चे को हमने बीच में भी कपड़े लेकर आए थे हम, बहुत जितना भी मार्केट उस टाइम, क्योंकि बच्चों को बाल उतरे थे तो हम बाहर से खरीद के देके आए थे, क्योंकि उस टाइम तक हम नहीं दे सकते थे कपड़े, अब जो है बाल उतर गए हैं सूचे बाल बच्चों के, तो अब दे सकते हैं। तो कुछ लोग ये बोलेंगे यूज क्यों कपड़े दे रहे तुम, उसका जवाब क्या दूंगा लोगों को? शांति देगी, शांति क्यों, शांति अभी ये है तो एक एक बार है तो कपड़े नए, बस थोड़ी थोड़ी 5-10 मिनट पहने हैं तो अच्छे ही मेरे हिसाब से। तो तुझे ले जाने शांति सारे या उसको ले जाने? मेरे घर में है, कर ले शांति प्लान, कर ले प्लान कर ले। अरे शांति तो चाहती थी उसको एक बेटी होए, हाँ। पर बेटी नहीं होती उसको, बेटा दोनों बेटे बेटे हैं, पर अब नहीं करनी। अब यार ये देखा जाए तो ये जो टी शर्ट है तूबा ने सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही बार पहनी है, मतलब धुली भी नहीं है, एक बार पहनी फिर उतार दी, तो ऑलमोस्ट जितने भी कपड़े ना मेरे बच्चों के पास है इतने बल्क में कपड़े के, सारे कपड़े ना नहीं है बिल्कुल। और वैसे भी गुड्डू हमारे पास इतने कमेंट आते हैं लोगों के कि ना आपके पास इतने कपड़े आप किसी को दे दो, ठीक है हम अपनी खुशी से दे रहे हैं कपड़े, मतलब कहने का ये है कि हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, दुनिया की सोच आप नहीं दो तब भी ये बोलेंगे दिखावे के लिए कर रहे हैं, और ये वाले जो कपड़े इनको हम ट्रैकलिंग करवा के नमक के पानी में धुला के दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कब लेकर आए थे आप? हम मैं हरिद्वार गया था जब। ये तो ऐसे पागलपंती करती है, ये इतनी छोटी सी बात कोई पूछता है? बताओ, मुझे लगा याद नहीं होगा आपको। हाँ जो जो ये लेके आए वो तो उनको याद ही होगा, पागल। बस मुझे ना डेट ऑफ बर्थ नहीं याद इनकी, और शादी की डेट नहीं याद मुझे इनकी, बस मुझे मेरी मेरी याद है, और कुछ याद नहीं। मेरा बर्थडे आ रहे हैं बस, ठीक है। गुड्डू मेरा बर्थडे कब आता है? मुझे नहीं पता, 20 मार्च का पता सिर्फ बोलूंगा, क्योंकि तेरे बर्थडे 5-7 आते हैं। तो गाइस आज हो जाएंगे हमारे पूरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच दिल से सपोर्ट करने के लिए, और सब्सक्राइब कर दो, 10 मिलियन कर दो, एक डायमंड और ले आते हैं, क्या बोलते हैं? सही बात, बिल्कुल एक डायमंड और आना चाहिए हमारे पास। सो गाइस ये वाला जो सूट है ना हमने पिछले करवा चौथ पे पहना था, याद है तुझे? कमाल हो जाएगा, हमारा गाना था कमाल हो जाएगा उस पे पहना था हमने, ये कपड़ा हम लेके आए थे पता नहीं कहाँ से, याद नहीं है। और ये सूट ना बहुत ज्यादा लूज है, पालिका बाजार से लेके आए कपड़ा, तो इसको मैंने फिटिंग कराने के लिए दिया। तो अभी ना पायल कह रही कि गोलू मेरा ना एक ब्लैक कलर का सूट नहीं मिल रहा, मैंने कहा पायल ये चीजें तब मिलती है जब हम ढूंढते नहीं है, वो जो बच्चों का व्हाइट वाला टॉय मिल रहा ना उसको ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करी, उस टॉय के पीछे मैंने 3-4 टॉयज और मंगवाए, बट बच्चों ने ना वैसा नहीं खेला जैसे उससे खेलते हैं। फिर मैंने पायल को बोल दिया, मैंने कहा पायल वो काला सूट तब मिलेगा जब हम ढूंढेंगे नहीं तब। तो गाइज यहाँ पर ना बच्चों को इसलिए शिफ्ट कर दिया है क्योंकि क्या है कि ना यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं है, तो बच्चे ना आराम से सो लेंगे, वहाँ पे हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि सारे बेड खुले पड़े हैं और आवाज आती रहती है कुछ ना कुछ, तो बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अगर वहाँ पर होते ना तो 1-1.5 घंटे में उठ जाते हैं, यहाँ पर आराम से सोएंगे ना कम से कम ना 2.5-3 घंटे बच्चे सोएंगे। तो हमारी जो तूबा रानी है ना वो तो उठ गई, मम्मा ने ज्यादा तारीफ कर दी तूबा की और तूबा को पता चल गया। तो गाइज इतनी ज्यादा थक गई ना घर का काम कर करके, बहुत सारी सेटिंग करी घर की, तो बस अभी मैं आई थी जैद को सुलाने के लिए, जैद को मैंने सुला दी है। अब ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा सो रहा है एक बच्चा उठ रहा है, मतलब कि पहले तूबा यान सो रहे थे अब वो दोनों खेल रहे हैं, अब जैद सो रहा है, तो बस अभी जैद 1 घंटे के लिए सोएगा फिर ये दोनों उठ जाएंगे। तो अभी आज ना मतलब वैसे तो जोड़ी तूबा और जैद की बनती है, पर आज क्या अयान और तूबा की बनी हुई है। और मेरी शक्ल तो देख लो, कल का करवा चौथ का ना जो मेकअप है ना अभी तक लगा हुआ, मैंने फेस भी नहीं धोया सुबह से, टाइम ही नहीं मिला, बस अब घर का ना सारा काम निपटा के ना आराम से नहाऊंगी और फ्रेश हो जाऊंगी, मेरे को तो जिम भी जाना है क्योंकि इतने दिन हो गए ना गाइस जिम ना गए हुए, और मेरे को इन्होंने बोला कि जिम को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं दे रही है इनको ना,
जिम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है करना। अब मैं और पायल थोड़े से ना मतलब कि इस चीज के लिए केयरलेस है, पर अब से ऐसा नहीं करेंगे, अपना जिम कंटिन्यू जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री वाले भैया को भी बुला लिया है क्योंकि कर्टन्स जो है बहुत ज्यादा गंदे भी हो गए हैं और गुड्डू टाइम भी होगा लगे हुए ना साल। गुड्डू कितना हो गया यार? हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे सितंबर में, अभी लगा ले कितना टाइम चल रहा है, पूरा एक महीना, एक साल एक महीना हो गया है। हाँ, तब से धुले नहीं है तो ये धुलने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे ये होती है मजेदार माँ, बच्चों को खिलाना कम और फैलाना ज्यादा होता है। बच्चा एंजॉय करके खा रहा है आपका? हाँ, ऐसे जी को ऐसे 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 एरोप्लेन उड़ाना पड़ता है मुझे। हाँ जी, ऐसे ऐसे करके। ये क्या हाल कर दिया मुंह का मम्मी ने, इसका ध्यान कितना रहता है ना कैमरे की तरफ। तो वैसे जब बच्चे पैदा हुए थे तो उनके थम हमने लिए थे, वो थम आज आए हैं और पूरे 6 महीने बाद आए क्योंकि ना कुछ नई चीजें इन्होंने इसके अंदर एड ऑन की है, लेमिनेशन हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दिखने में कैसे। ये 3 बच्चों का एक साथ बना है और ये जो फ्रेम है ना इनको बाहर से मंगाना पड़ा। तो दिखाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हमने चीकू के हैंड्स के प्रिंट्स लिए हैं और इन दोनों के पैर के और हाथ के। तो चीकू कह रहा है पापा मेरी फोटो नहीं है इसके अंदर, और ये भी कह रहा है मेरे पैर नहीं, मेरे कह रहा है मेरे अलग से चाहिए था मुझे। अच्छा, तो करवा लेता हूं, कल बुला दो। मैंने बोल दिया है, मैं कल बुला के करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैंने मम्मी के लिए एक सरप्राइज सोचा है, तेरे लिए सोचा है, तो वो मैं वही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ पे पापा? इधर ही पास में। चलना है आपको साथ? चलना है मेरे को। उसको भी ले चलते। हाँ था ज्वेलरी। आपके हैंड में कुछ था उस टाइम? ज्वेलरी थी। ज्वेलरी पहन दिया करा था आपने? एक हाथ में पहनी। ये देखो फोटो। अब ये नहीं पता हमें तूबा का हाथ कौन सा है और अयान का कौन सा है। तुम कौन सा है तूबा का? मैं वो वाली वीडियो देख लूंगा, उससे गैस हो जाएगा, वरना इन्होंने लिखा नहीं होगा ना वैसे। नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा ये जो है ना फोटो, मुझे लग रहा है ये है इसका। तो दिखा दे। हाँ दिखा दो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो मुझे ये लगाना पड़ेगा घर में कहीं पे जहाँ पे रोज दिखता रहे। इलेक्ट्रिक वाला है, यहाँ पे ना लाइट भी जलेगी। हाँ तो लगाऊं इसको? कहाँ लगाऊं? तो वैस लाइट जलने के बाद कुछ ऐसा जबरदस्त आया ना, क्या बात है। ऊपर लिखा है कुछ। तो आज हमारे भाई पहुंचे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे, और कुछ लोग भैया हमारा नाम ले लेके इनको फ्लैट बेच रहे हैं। हमारा कोई फ्लैट नहीं कहीं भी, और हम रहते हैं यहीं पे जहाँ पे मिलने आते हैं। तो भाई फ्रॉड में मत पड़ो, चक्करों में मत पड़ो। और आज इनका जो यहाँ पहुंचने का कारण है वो ये है कि आज हमारे मलिक ब्लॉग्स पे पूरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू सो मच इतना लव और सपोर्ट देने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के। तो गाइज ये है जो सरप्राइज हमारे लिए आने वाला है, ये लेके आने वाले हैं। तो मैंने देख लिया, चीकू ने भी देख लिया, बस गोल्लू रह गई। गोल्लू को भी दिखा देंगे जल्दी। तो गाइज ये हमारा नया घर जहाँ हम सोने आए हैं, है? चादर वही है, चादर वही है। कैंडल लाइट डिनर करने आए हम यहाँ, ठीक है। तो इसमें आप मुझे घुमाओगे और फिर डिनर कराओ। अभी मैं बस बाहर निकाल रहा हूँ, साथ ही घुमाता हूँ सबको, ठीक है। हाँ जी ले लो, लाई हूँ आपको, ले ले इसको देने। तो भैया इस भाई है हमारे बड़े और बहुत ही मतलब इनकी चहेती गाड़ी है। अभी ये बाहर जाने वाले हैं तो ये चाहते थे कि गाड़ी उनको मिले जो इसकी टेक केयर कर सके तरीके से। ये इन्होंने अपनी मम्मी के लिए बनवाई थी टूर के लिए। इनकी मम्मी को मतलब थोड़ा सा हेल्दी है तो घूमने फिरने में दिक्कत होगी, चाहते की मेरी माँ को 1% भी तकलीफ ना हो, ऐसे बच्चे हैं। तो अभी कुछ नहीं बनवाने वाले उनके लिए? हाँ जी, नेक्स्ट प्लान सोचा हुआ मैंने, तो अभी वो सारा प्रोसेस में है, बाकी परमात्मा के हाथ है जब जैसे। भैया हमारी माँ ये हमने इसके लिए लिए, हम ये तो धरोहर हम अपने बच्चों को भी देके जाएंगे ना, ठीक है जी। वो तो गाइस दिखने में ये कुछ ऐसी है, देख सकते हो आप, और सच में इतना ज्यादा मजा आने वाला है ना इसमें। हम जब ट्रेवल करेंगे अपने बच्चों के साथ, एक साथ पूरी फैमिली ट्रेवल करेगी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैंने तो बोल दिया, डन कर दिया कि लेके चलो इसे। तो गाइस चलिए अंदर लेके चलती हूँ आपको, आ जाओ। तो यहाँ से शुरू होती है एंट्रेंस, गेट बंद करके दिखा देती हूँ, रुक जाओ। ये गेट भी बड़ा इजीली बंद हो जाता है और खुल भी जाता है, आ जाओ। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे खाना का एरिया, यहाँ पे हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। यहाँ पे है फ्रिज जिसमें हमारी कोल्ड ड्रिंक, पानी वानी जो भी हमें रखना है बच्चों के लिए, कुछ भी सामान रखना उनके लिए। फिर थोड़ा सा अंदर आओगे तो यहाँ पे भी जो है चीकू सो सकता है। यहाँ पे चीकू नहीं, हमारे जो बच्चे होंगे ना छोटे छोटे, उसको यहाँ पे सो। अच्छा, यहाँ से नीचे के है हमारे चीकू, छोटे छोटे होंगे थोड़ी है वो तो। जी है, उनको तीनों का यहाँ पे सोएंगे। यहाँ पे स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे ना इसके नीचे गुडू, इसके नीचे आप स्टोरेज अपना से जितना लगेज तुम्हें लेके जाना है वो डाल दो। यहाँ पे पहले मुझे ना सो के दिखा कि तुझे सो के कैसा लग रहा है। मेरे को पूरे सो जाएगी आराम से, सारे बच्चों के साथ सो जाऊंगी। जाइए चीकू बेटा, तू आप बाहर कुर्सी पे बैठ जाना। हाँ। हम सारे बच्चे इधर। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुझे सुकून से नींद आ जाए, कहीं भी ट्रैवल में ये ना लगे यार कहाँ आ गई मैं। नहीं नहीं हाँ, नींद पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी होगी। यहाँ पे देखो चीकू कोने में जाऊँ, कोने बिल्कुल कोने में। तो यहाँ मैं, यहाँ गोलू, यहाँ 3 बच्चे। तो ये गाड़ी हम ले रहे हैं वैष्णो देवी या फिर जितने भी हम टूर करने वाले हैं, जितने भी धार्मिक जगह
लगाए हैं उसके लिए कि बच्चों को दिक्कत ना, और बच्चों को हम साथ लेके जाएं जिससे हमारी ऑडियंस भी मिल पाए। हाँ, हमारे बच्चों से उठ के दिखा दूं। इसके बाद हम उठेंगे और यहाँ पे मेरा दिख जाएगा, यहाँ पे रेडी वेडी होने के लिए यहाँ पे स्टोरेज बहुत सारी है और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाथरूम है। यहाँ पे इसके अंदर किचन नहीं है, किचन इसलिए नहीं है, मैंने पूछा रीजन, मैंने कहा भैया किचन की कमी है इसमें। भैया कह रहे जब आप किचन बनाते हो ना तो उसमें बर्तन वर्तन रखोगे तो वो ना खड़खड़ खड़खड़ की आवाज होती है, तो जब आप ट्रेवल करते हो ना तो आप फिर सो नहीं पाओगे, तो क्या फायदा, इसलिए इसमें किचन नहीं। चीकू के कपड़े रखने की जगह देखा, चीकू बच्चे सबकी, ये देखो ना, ठीक है, इतने बड़े बड़े ड्रॉर है, इसमें हम बच्चों का दूध वूध बॉटल वॉटल पानी गर्म करके रख लेंगे। यहाँ पे दो अलमारी है, ये देखो अलमारी, और टीवी भी है जिसमें हम बच्चों का सामान, और बच्चे अगर रोए, देखो हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं, रोए हम सफर में क्या करें, उनको ऐसे तो नहीं कर सकते, यहाँ पे हम उसको कार्टून भी दिखा सकते हैं। फुली पूरी फैसिलिटी का ध्यान रखा है अरमान जी ने, और इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। उसी के साथ साथ ना ये हमारी प्राइवेसी के लिए यहाँ पे लॉक भी है कि हम अंदर से लॉक कर ले, कोई ना आए, जो यहाँ बैठा है वो यहाँ बैठ जाए। तो भैया ये है इनका नया घर, दिस इज आवर न्यू होम। तो अभी अभी पाल और हम जो वैनिटी देख के आए हैं, पाल कह रहे कि गुड्डू नहीं ले लेते क्योंकि ना पुरानी चीजें हैं, कल को रास्ते में बंद हो गई तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी क्योंकि फैमिली साथ में रहती है। बाकी पाल खुद बताएगी। बिल्कुल, मेरे को ना ऐसा लगता है गाइस, क्योंकि हमने देखो सेकंड हैंड गाड़ियां ले रखी, तो सेकंड हैंड गाड़ियों में क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम चीक चलती है, फिर उसमें कभी इंजन में कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी बैटरी में कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी गियर बक्सा या कुछ ऐसे ना दिक्कतें आती रहती है। तो मैंने इनको यही बोला कि मतलब कहने का मतलब है महंगा रोए एक बारी पुराना रोए 100 बारी, ऐसा कुछ ऐसे होता है ना। तो मेरा क्या, हाँ, महंगा रोए एक बारी पुराना रोए 12 बारी। अच्छा ऐसा होता है, ठीक। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली ना हमारे ना अरमान मलिक पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और दिल से ना इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है ना, बहुत ज्यादा, मतलब कि जो मेहनत की है ना वो सफल हो गई है, तो बस काउंटडाउन जो है ना हमारा बिगेन हो चुका है, 200 फॉलोअर्स बाकी है। सो गाइस देख सकते हो, होने वाले हैं। तो चीकू के पापा और पायल ना दोनों ना फार्म पे गए और इनका फोन आया कि गोलू फटाफट ना लैपटॉप पे स्क्रीन चला, 4 मिलियन होने वाले हैं, और ये जो मूवमेंट है ना ये बिल्कुल भी ना मतलब कि स्किप मत करियो, छोड़ियो मत, मैं 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ना शावर लेके आई, मैं फटाफट रेडी हो गई, मैंने कहा रेडी हो जाती हूँ 2 सेकंड के अंदर, और बस होने वाले हैं 100 फॉलोअर्स बाकी हैं। भैया अगर निशु भैया नहीं आए तो आप मेरी रील बना देना, ठीक है, मैंने धीरज भैया को बोला था कि आप आ जाओ ऊपर एक बार। और ना हम लोगों ने ना दोपहर को ना 4 मिलियन का जो केक है ना वो ऑर्डर कर दिया था, और बस 4 मिलियन होने वाले हैं। मलिक व्लॉग्स पे आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और मैं ये चाहती हूँ गाइस कि ना हमारी पूरी फैमिली को ऐसे ही प्यार देते रहो, और बहुत ही जल्दी ना इसके 10 मिलियन कर दो, ताकि हमारे पास ना 2-2 डायमंड प्ले बटन आ जाए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अचीवमेंट तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप लोग प्यार नहीं करोगे। जैसे आप प्यार करते हो ऐसे ही प्यार करते रहो, क्योंकि आप हो तो हम हैं, और आपकी वजह से हम अभी जहां पर हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जितने फॉलोअर्स के साथ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से और आपके प्यार की वजह से। तो गाइस होने वाले हैं कुछ फॉलोअर्स बाकी हैं, मेरे हिसाब से 70 बाकी हैं और होने वाले हैं, और मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को यहाँ ही खोल के रख दी है बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। ये जो मूवमेंट है ना ये बहुत ही प्यारा मूवमेंट है, और ऐसा वाला जो मूवमेंट था ना हमारा फैमिली फिटनेस का भी था, जब हमारे ना 10 मिलियन कंप्लीट हुए थे, उस टाइम पे हमें गाने के शूट पे थे, और 50 फॉलोअर्स बाकी हैं, 949। ये तो लास्ट का टाइम होता है ना, बड़ा धीरे धीरे जाता है, पता नहीं क्यों, ओह जल्दी जल्दी जा रहा है 60। मैं चाहती थी कि आप पे चीकू भी होता, पायल भी होती, बट ये लोग फार्म गए हुए हैं, आने वाले होंगे, फिर हम लोग करेंगे केक कटिंग सेरेमनी मलिक व्लॉग्स को। होने वाले हैं 70, 72, 5। तो बस थोड़ी देर, बहुत अच्छा लग रहा है, होता है ना गूज बम्स होना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है कीरा, बहुत ही मजा आ रहा है कि 4 मिलियन, बस ये जो 999 होने वाले हैं, बस होने वाले हैं। भैया स्टार्ट कर दो रील, तो आई एम सो हैप्पी, बस हो गए। थैंक यू सो मच गाइज, 4 मिलियन कम्प्लीट हो गए, थैंक यू सो मच, मतलब आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हो ना, दिल से शुक्रिया। और बस इस वॉल का वेट कर रही हूँ कि इस वॉल पे एक और डायमंड प्ले बटन आए, जैसे कि फटाफट ना 4 मिलियन हुए ना, ऐसे ही आप फटाफट 10 मिलियन भी कर देना, थैंक यू सो मच। तो गाइज आज है आपके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि मलिक व्लॉग्स पे हो चुके हैं 4 मिलियन कम्प्लीट। आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया हमें कि हम इस सीढ़ी तक चढ़ सके हैं, और हमने बहुत ही सुंदर केक बनाया है, देखना है आपको, देखना है, ऐसे थोड़ी दिखाऊंगी। जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि लास्ट तक ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीजें, तो आप बीच में ही छोड़ के चले जाते हो आधे में, तो पूरा देखा करो। चलो दिखाते हैं आपको केक, तो ये था केक जिसको काटने वाले हम। काटने से पहले देखो इतनी मुश्किल से 4 मिलियन हुए हैं, बहुत मेहनत करी है, तो एक शॉर्ट वीडियो तो बनती है, तो शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बनाने के लिए पूरा सेटअप लगा रहे हैं। देखो सब लोग आ गए हैं सीट वीट कैमरा वैमरा लेके, तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस अब तक जिसने
हमारा पॉडकास्ट नहीं देखा कॉमेडी क्वीन के साथ, बायो में लिंक है यानी कि भारती जी के साथ, देख लो बताओ और आपको कैसा लगा। हाँ भाई, बहुत ज्यादा मजा आया था उस पॉडकास्ट में हमें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमसे पूछी गई जो शायद अभी तक हमने किसी इंटरव्यू में भी नहीं बताई है और ना ही हमने ऐसे वर्बली अपने व्लॉग्स में बताई है। तो अभी थोड़े दिन बाद दोबारा जाना है मुंबई, और मुंबई बहुत ही जरूरी काम है, वो आपके लिए सरप्राइज। तो गाइज वो घड़ी आ चुकी है जब हम मलिक व्लॉग्स का केक काटने जा रही हूँ, और हमारे 4 मिलियन जो है कम्प्लीट हो चुके हैं। पर इसमें जिसकी मेहनत सबसे ज्यादा है वो इंसान हमेशा पीछे रहता है। आ जाओ आगे, वो हमेशा कैमरे के पीछे रहता है। हेलो हेलो, आपको बोल रही हूँ, आपको इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर उधर बेटे, अंदर घुसने को दीदी के। नहीं, मैं आपको जगह दे रही थी। जगह था कहाँ थी? तो पायल को जगह दे रही थी। तो सारी टीम वेट कर रही है केक कब कटेगा और कब इनमें बटेगा। ये शक्लें देखो, शुरू करते हैं। आप भी आओ ना। कोई नहीं, चल मैं कैमरा चला रहा हूँ। चल 1 2 3 हैप्पी फोर मिलियन हम सबको, हम सबको। गाइस सबसे पहले केक मैं खिलाऊंगा आप सबको, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, आप हमें पसंद करते हो तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए, देखो मैं डायरेक्शन, वीडियो, सोचना, लेना कुछ भी कर लूँ, पर जब तक गोलू और पायल नहीं थे मेरे पास, सोचने वाला तो था मैं पर करने वाले ये हैं। तो सबसे पहले हम पायल को खिलाएंगे। रो मत बेटा, तो मैं खुद खा लेता हूँ, रो मत। आपने इतनी बड़ी बात बोली है। कितनी आपने जो बात बोली उस पर रोई हूँ? कौन सी बात बोल दी मैंने? ये हम दोनों नहीं होते तो, हम दोनों नहीं होते तो आप। कच मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैं खुद सोचता तो मेरा कैमरा कौन पकड़ता? हम रातों को जागे हैं, सब चीज की है। आज कुलदीप भाई हमारे पीछे बैठे हैं, पर रात भर इस आदमी ने मेहनत की है। ठंड में बोलते कालू वीडियो बनाने आ जा, सूरज भैया, सूरज हो गया, धीरज हो गया। तो आज हमारी इतनी बड़ी टीम है, वेट कर रही है केक का, दे दो इनको भी। आओ कालू भैया, सूरज भैया, निशु भैया, जाता तो हो जाता है। केक तो बहुत अच्छा था, पर तू रुई गलत है। उसको खिला दे भाई, बहुत टेस्टी है। सारा इतना बड़ा मुंह मत खोल भाभी, मुझे बटन दे। बस बस भैया, ये बटन बटन बीच का बहुत टेस्टी है, बस ये बटन चाहिए मेरे को। इसका बटन के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। नहीं ये तो ले सकता हूँ खाने के लिए। ये लो भाई बटन, अरे हम दे दिए मैंने बटन भाई, बटन मांग रहे थे भैया मुझसे, बटन दे दो, बटन दे दो, खा लो। आओ जी आओ, बहुत बढ़िया केक, बोल बढ़िया टेस्टी है, फुल टेस्टी केक है। ठीक है भाई, चको काम चको बेटा बोल। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो। और जाते जाते गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, मत भूला करो, और वीडियो को। और हम आ रहे हैं 4 तारीख को, अभी ब्लॉग देख रहे होगे उस टाइम हम पहुंच जाएंगे 5 बजे। कौन सा था वो? जामा मस्जिद जाएंगे, जामा मस्जिद नंबर 1 दिल्ली 6। तो मिलते हैं आपसे जल्दी शाम के 5। थैंक यू सो मच, नमस्ते।